वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। वीकेंड स्पेशल वीडियो निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। अभी तक वो नहीं देखा आपने तो जरूर जाके वो वीडियो देखे, डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है। एंड आप लोगों की जो क्वेरी रहती है कि लेवल्स पे कैसे आपको वर्क करना है, वो भी हमने उस वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म होती है, कैसे आपको कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड करना होता है, कैसे लेवल्स पे आप वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखे, बहुत डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा एंड काफी सारी क्वेरीज भी वहां पे मैंने आंसर कर रखी है। चार्ट एनालिसिस भी किया वहां पे एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस भी किया हुआ है, वो वीडियो जरूर जाके देख ले। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे कि इंट्राडे कैसे मूव देखने मिले, क्या परफेक्टली फिर से लेवल ने वर्क किया, और सिर्फ फ्राइडे को नहीं पूरा वीक अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, मल्टीपल टाइम मार्केट को उसने सपोर्ट दिया एंड प्रूव किया कि लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं चाहे कैसा भी मार्केट सिनेरियो। यहाँ पे लोग न्यूज़ की बात करते रहेंगे लेकिन हम आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, लेवल्स के बारे में समझाते रहेंगे कि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड ले पाएं। तो जानने वाले पूरा डिटेल एनालिसिस बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना परफेक्ट डेली एनालिसिस आते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दे, इस वीडियो पे भी 400 लाइक्स का टारगेट है तो होप आप वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट पे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि मंडे से हमारा हेजिंग बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको 1 वीक विद लाइव ट्रेड्स हेजिंग यूज करना सिखाते हैं कि आप कैसे कंसिस्टेंट एंड सेफ प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हैं। तो अगर उस ग्रुप का पार्ट बनना है तो आपको सिंपली हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है या आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो आप डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके उसके थ्रू भी आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। चलिए एनालिसिस शुरू किया जाए। ये हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं मार्केट ने कैसे वर्क किया। तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हमें बैंक निफ्टी में और फर्स्ट 5 मिनट में एक बहुत ही शार्प फॉल आया। कंटिन्यूस आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग एंड उसके बाद एक शार्प फॉल, लेकिन फिर से लेवल का कमाल। हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि ये इंट्राडे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 32,350, और यहाँ परफेक्टली आप देखिए मार्केट ने 32,350 पे फिर से एक और बार सपोर्ट लिया और बाउंस बैक देखने को मिला। मैं फिर से एक और बार क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये देखिए इसने कितनी बार मार्केट को इस लेवल ने सपोर्ट दिया। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पे देखिए इतना परफेक्टली, यहाँ पे भी देखिए मॉर्निंग में फॉल। तो जब जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आ रही है हर बार इस लेवल ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हम बार बार आपको बताते भी आ रहे हैं और वो अपनी वर्थ भी प्रूव कर रहा है और हमें भी राइट प्रूव करता है हर बार। वैसा ही देखने को मिला, परफेक्टली मार्केट ने लेवल पे सपोर्ट लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, बार बार हम जो आपको बताते आ रहे थे 32,350, वहां से हमें देखने मिला एक बाउंस बैक। बाउंस बैक में नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जोन था, जो लेवल था 32,550 से 32,600, यहां तक हम गए परफेक्टली। और यहां एक बार मार्केट में करेक्शन भी आई स्मॉल, लेकिन फिर मार्केट ने जोन पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे हमने जोन क्यों क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखाऊंगा। फर्स्टली हमें दिख रहा है कि लोअर साइड लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 32,550 पे, ठीक है, और वहां से फिर हमें बाउंस देखने को मिला और परफेक्टली नेक्स्ट लेवल तक गए जो हमारा लेवल था 32,860। यहाँ पे फिर मार्केट कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रही है क्योंकि मार्केट ने लेवल ब्रेक करने की कोशिश तो की लेकिन हमें कोई फॉलो अप कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली। कंफर्मेशन कैंडल कैसी होती है वो निफ्टी में समझाई हुई है, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, परफेक्टली लेवल ने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया और वहां से हमें पुल बैक देखने को मिला, फॉल देखने को मिला। अब फॉल में क्या कमाल देखिए आप, फॉल आया परफेक्टली किस लेवल तक, फिर से हमारे लेवल तक। और यहाँ पे मैंने आपके लिए जोन क्यों क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोअर साइड लेवल भी इंपॉर्टेंट है और अपर साइड लेवल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लोअर साइड लेवल पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे देखिए हमने अपर साइड लेवल पे सपोर्ट लिया बिल्कुल परफेक्टली। तो इतनी ज्यादा परफेक्शन देते हैं आपको हम 100%। मार्केट ने फिर यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट लिया एंड फाइनली डे एंड में हमारा ये जोन वाला सपोर्ट हमने ब्रेक किया एंड उसके बाद हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिली। एक बार जो बाउंस आया उसमें लोअर साइड लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली जो थी 32,550। तो आप जोन का कमाल देखिए, दोनों लेवल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, 32,550 भी 32,600 भी। तो परफेक्टली जोन में मार्केट ने जोन के दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और अगर ओवरऑल देखेंगे तो सारे लेवल्स पे मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो देख ही सकते हैं कि वो फ्राइडे ही नहीं, उसने पूरे वीक ही मार्केट को सपोर्ट दिया है।
बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके अलावा अपर लेवल्स ने भी बहुत परफेक्टली वर्क किया और हमारे जोन ने भी। तो ये ओवरऑल इंट्राडे मार्केट थी। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे इंट्राडे मंडे के लिए भी, लेकिन पहले चलते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वहां क्या डाटा बता रहा है हमें और वहां क्या हमारे लेवल्स हैं। वहां पे एक लेवल और एडिशन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम है जिसमें ये तीन हमारी ट्रेंड लाइन थी, ऑलमोस्ट हमने ब्रेक कर दी है ये ट्रेंड लाइन, इसके बिलो ही हम क्लोज हुए हैं। लेकिन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल लेवल है वो है 32,400, और पूरा वीक देखिए आप, इतना परफेक्ट लेवल है ये। यहाँ पे जो हमने लो बनाया था इसी पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद आप पूरे वीक में देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन हर बार इस लेवल ने मार्केट को सपोर्ट दिया। हर बार लास्ट 5 में से 4 डेज एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट लेती है और वहां से बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद फॉल भी बड़ा आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ है एंड परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आपको याद रखना है 32,400 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के लिए लेवल है, जो बैंक निफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेक होगा तो फॉल अच्छा आएगा, जिसमें हमारा मेजर टारगेट है 29,600। लेकिन उससे पहले एक और लेवल मिल रहा है हमें मिड में, जहां पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, वो है 800 पॉइंट्स बिलो, और वो लेवल है 31,600। अब ये क्या लेवल, देखिए हम कोई भी आपको चीज रैंडम नहीं बताते, हर चीज के पीछे लॉजिक बताते हैं। अब ये 31,600 लेवल कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारी ट्रेंड लाइन है 31,600 वाली, और अगर हमें बैक डाटा पे जाए तो आप ये देखिए, जो हमें फॉल देखने को मिला था, जो हमें क्रैश देखने को मिला था लास्ट ईयर कोविड के टाइम, वो एग्जैक्टली हमने यहीं पे अपना हाई बनाया था और वहां से स्टार्ट हुआ था। तो पहली चीज, लेकिन हम सिर्फ इससे बात नहीं कर रहे, हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। आप प्रीवियसली देखिए, यहाँ पे भी डबल टॉप बना था एग्जैक्टली इसी लेवल पे 31,600 पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो प्रीवियसली लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस था ये लेवल, लेकिन ब्रेक हो चुका था, तो अब इसे एज अ वर्क करना चाहिए सपोर्ट का। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये लेवल कहाँ से आया है। मेजर टारगेट हमारा 29,600 ही रहेगा, माइनर सपोर्ट आपको मिलेगा 31,600 लेवल पे। तो ये हमारे लोअर साइड टारगेट होंगे, लेकिन ये कब होंगे, अभी नहीं है, ठीक है। ये टारगेट तब होंगे जब 32,400 ब्रेक करेंगे। अभी मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, इतनी वर्थ प्रूव कर दी इस लेवल ने। 5 टाइम मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, लेकिन हर बार मार्केट को बाउंस बैक दे देता है, ये मार्केट को ब्रेक ही नहीं करने दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अपनी वर्थ उतनी ही अच्छे से ये प्रूव भी कर रहा है। तो आपको इस लेवल को जरूर मार्क करके रखना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये तो बात होगी लोअर लेवल्स की, कि मार्केट अगर लोअर साइड ब्रेक करती है तो हम कहां तक जा सकते हैं और क्या हमारे टारगेट्स होंगे। और एक और चीज, 32,400 के बाद मैंने आपको टारगेट बता दिया 29,600, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिंगल डे में आ जाएगा। अब मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि अगर 32,400 ब्रेक हो जाता है, क्या हम 30,000 की पुट बाय कर ले। तो यार मजाक नहीं चल रहा है मार्केट में कि आप इतनी दूर आउट ऑफ द मनी पोजिशन बाय कर लो। आउट ऑफ द मनी के लिए मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ आपको कि कभी आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करें, हमेशा नियर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करें, इन द मनी या एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में कभी ट्रेड ही मत करें। एंड आगे से जो भी आउट ऑफ द मनी की क्वेरी भी आएंगी, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर इतने रिस्क ले रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप लॉटरी जाके खरीद लें, इससे बेटर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत करें, आप जाके लॉटरी सिस्टम में स्टार्ट हो जाएं, आप लॉटरी खरीदे हर बार और वहां वेट करें कि कभी आपका जैकपॉट लगेगा। मार्केट आपके लिए नहीं है अगर आप आउट ऑफ द मनी इतनी डीप पोजिशन में ट्रेड करना चाहते हैं तो, सिंपल सा आंसर है मेरा। चलिए आ जाता है मैं एनालिसिस पार्ट पे। लोअर साइड हमने लेवल देख लिया, अपर साइड रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, तो अपर साइड अभी देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन जरूर ब्रेक कर दिया, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मेजर रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 33,200। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा बाउंस बैक भी दोबारा देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी वर्क करेगा ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है 33,200। और अगर आपको याद है एक्सपायरी वाले दिन यानी थर्सडे को हमने इसी लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमें जैकपॉट रिटर्न मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट मेजर पोजिशनल रेजिस्टेंस पॉइंट है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट लेवल हमने बता दिया 32,400 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस लेवल आपका 33,200 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये हो गई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बात। अब इंट्राडे बात करते हैं कि इंट्राडे मंडे के लिए क्या लेवल्स होंगे जिनके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। अभी मार्केट दोनों लेवल्स के मिड में क्लोज हुई है, ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ही 32,350। तो अभी इमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट
मंडे के लिए है 32,350, उसके बाद लोअर साइड सपोर्ट है 33,000। तो ये दोनों हमारे मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल लेवल भी है, इंट्राडे लेवल भी है 32,350। रेजिस्टेंस पॉइंट है फर्स्ट हमारा जोन 32,550 से 32,600, ये जोन है और जोन की तरह ही वर्क करेगा। एंड आपको भी जोन को ही फॉलो करना है, सिंगल लेवल नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे सिंगल लेवल होते हैं वहां हम आपको सिंगल लेवल प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ जोन होता है एंड वहां हम आपको जोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, एंड उसके बाद लेवल आता है 32,860, एंड उसके बाद फाइनली वही मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको पोजिशनली भी बता रहा था 33,200। तो ये सारे हमारे रेजिस्टेंस लेवल होने वाले हैं। सिस्टमैटिकली ट्रेड करें, इन लेवल्स को फॉलो करें, अपने चार्ट्स पे मार्क कर लें, यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन यूज करेंगे तो उतना सिंपली प्रॉफिट भी होगा आपको। कोई भी क्वेरी है, किसी भी रिलेटेड स्टॉक कैरी कर रहे हैं, पोजिशन कैरी कर रहे हैं, या और भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दे, 400 लाइक्स का टारगेट है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।